तो भाई ये है धौली, और जो धौली है ना वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर कलिंग वार हुआ था, यही वो जगह जहाँ पर कलिंग वार हुआ था। तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये मतलब नया ब्लॉग क्या बोलूँ, ये जो पुरी वाला बोला तो उसी का एक्सटेंशन है। तो पुरी वाले रास्ते में धौली भी पड़ता है, तो पहले सोचे जब पुरी आ ही गए हैं तो रिटर्निंग में धौली भी होकर चले जाएंगे, तो वहीं धौली जाने वाले हैं। और अभी ये कौन है, ये पटनायक छक पुरी में है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट या फिर खाना ही खा लेंगे। आए थे हम लोग कितना बजे, 12 साढ़े 12 बजे निकले थे पुरी के लिए, और अभी हो गए 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो ऐसे स्नैक्स वनैक्स तो किए हैं, देखते हैं अगर मिल होगा तो मिल कर लेंगे, स्नैक्स हो तो स्नैक्स कर लेंगे, इसके बाद निकलेंगे अपन लोग धौली के लिए। और वाह वो भाई साहब कार से निकलते ही अपने जगह पे, और ये भैया भी अपने जगह वही है भाई। फ़ोन आया था जोड़ने के लिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ हूँ, भैया उधर, और वो भाई अल। ये होता है क्या बोलते हैं रोड ट्रिप में। हाँ ठीक 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 कर लो कर लो। हैं भाई कभी कभी इंसान अकेला ही पड़ जाता है। आए तीन लोग, दो लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है भाई, देख ही नहीं रहा है। हाँ भैया इधर अंदर गए हैं, अब हम भी चलते हैं अंदर। क्या हुआ भैया? हाँ कभी कभी बेवजह बेजुबानों को भी खिला दिया करो, ये बोलते नहीं पर भूख इनको भी लगती है। ये नहीं भाई, ये लो। और ये था ढाबा। मौसम सुहाना हो रखा था, भैया बोले बाहर ही लाओ, बाहर ही मस्त आराम से खाया जाएगा। तो ये है मछली, और कौन सा फिश है भैया? पोहड़ा। पोहड़ा, अच्छा सी फिश है कि फ्रेश वाटर वाली? फ्रेश है, फ्रेश वाटर। अच्छा ये है पोहड़ा, उधर चिकन है, और मस्त यहाँ से नज़ारे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। पहाड़ियों के ऊंचाई में उठते हुए लाल लेक्शन पे, बहुत बढ़िया फील आ रहा है, एकदम सेक्सी। गाड़ी थोड़ा तेज चलाया जाए, हमारा डेस्टिनेशन वो है, वो जैसे कि आप देख सकते हैं धौली गिरी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं धौली कार स्टैंड में, और अपना कार पार्क कर दिए हैं। और ये है आज दो लोग जुड़े, ये है राज भैया, और इधर ये चश्मा वाले सोमनाथ। हाँ मास्टर, क्या मैचिंग मैचिंग वाला मास्क लिए हैं भैया, ये देखें। वाह भैया आपका एकदम ना पूरा आसमान के कलर से मैच कर रहा है आपका, एकदम पूरा कॉम्बिनेशन चमक तो हमें रहा है। चमक काफी रहे। अच्छा चप्पान वाला चेरी ये आम पापड़, आम का बना हुआ और ये रहा काजू। भाई काजू कैसे किलो? 440 आधा किलो का बोला, 220 बोला ना, आधा किलो 220 किलो 220। सस्ता ही दिख रहा लग रहा है मेरे को तो बाजार के कंपेयर में। और ऐसा भी नहीं है भाई, अच्छा ही है, ये देखो टूटा उटा नहीं है, वैसा नहीं है। हम लोग ये पहुंच गए हैं धौली, और इधर टोपी ओपी के लिए बुला रहे हैं। चाबी देना एक बार, कब फोन लेना, फिर वहाँ जाइएगा।
आपको। वह हो गया उनका फोन कहाँ रखे हैं उनको खुद ही ना पता है। मतलब पूरा ख्याल रखा गया है। आप यहाँ घूमने आ रहे हो जैसा टोपी पहन के खिंचा लो, चश्मा अगर चाहिए चश्मा रख लोगे, मास्क तो मैंडेटरी है। ये भाई लोग भी चश्मा उश्मा ले रहे हैं अपना अपना मास्टर पहले ही से इसको पता था, पूरा तैयारी के साथ है ये लोग। और अपन तो सदाबहार है, वेट कर वहीं राज भैया का आने का। फोन कहीं घुमा दिए हैं कि दुकान पर छोड़े हैं या कार में छोड़े हैं, थोड़ा देर वेट करेंगे फिर चढ़ेंगे। ऐसे इंतजार ही कर रहे थे और बोले कब खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं। और आ गए ये लोग गन्ना का जूस पीने। आवाज़ बहुत तेज कर रहा है भाई। मास्टर मास्टर स्वैग में कमी आएगा भाई, काला चश्मा गजब मिला फोन कहाँ था? अरे ऊपर जब तो साइड बना में भाई लॉक किया हाँ। स्वाद आ गया ना और ये रहा सामने धोली स्तूप भाई। और जो धौली है ना वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर कलिंग वार हुआ था, यही वो जगह जहाँ पर कलिंग वार हुआ था। इसमें अशोक का था 261 BC में, 200 अशोक का मगध का और इधर कलिंग का कोई शासक था उसके बीच में। और वो जो सामने दिख रही है ना नदी, वो है दया नदी। और ऐसा माना जाता ना कि यहाँ पर इतने मतलब कतलेआम हुए, अगर आप अशोक का देखोगे तो उसमें बोला है कि 150 लोग का हत्या हुआ था इस युद्ध में। तो ये नदी रक्त से पूरा लाल हो गई थी, तो इसको क्या बोलते हैं भैया नदी को? दया नदी। और इसको क्या बोलते हैं लाल हो गई थी वो खून से? रक्त पिपासा। अरे थोड़ा सा इतिहास देखा जाए ना भाई, जो चेदी वगैरह जो वंश थे यहाँ पे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे तब। ये हो गया खारवेला, तो मतलब अपने आप को चक्रवर्ती भी बोलता था। सातवाहन को हराया, राष्ट्रीय को हराया, मगध को हराया, वहाँ से जिनका मूर्ति लेकर वापस आया था। फिर इवन उसने इंडो ग्रीक को भी हराया था, मथुरा में जब वो लोग आ रहे थे, मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो उनको हराया। और ये सब करना जो मेन शक्तिशाली बनने का जो रीज़न था ये था कि उड़ीसा में हाथी बहुत ज़्यादा थे तब का। और मेन रीज़न भी यही था कि हाथी का लेने के लिए भी बहुत शासक ने उड़ीसा का शासकों से लड़ाई किया है, युद्ध किया। यही है अपना धौली, आ सकते हो यहाँ। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये जो एरिया है ना, और जैसे आप रास्ता से आओगे ना तो इतना हरियाली है, मतलब अच्छा लगेगा। और ये देखो भाई यहाँ पर ये अशोका है और ये गौतम बुद्ध है। तो यहाँ पर इतने कत्लेआम हुए ना, इतने लोगों की जान गई कि उससे देखकर अशोका का हृदय द्रवीभूत हो गया था और उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, बुद्ध धर्म अपना लिया। और सिर्फ अपनाए नहीं, बुद्ध धर्म को फैलाने में साउथ ईस्ट एशिया में इसका मतलब प्रमुख योगदान रहा है अशोका का। इसने श्रीलंका में भी अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पुत्री का तो नाम संगमित्रा था और पुत्र शायद महेंद्र, पता नहीं। यही पर चलते हो, यही पर तो गैस थी।
और अगर आपने पुराना व्लॉग देखा होगा मेरा वैशाली वाला, तो ये स्तूपा ना वैशाली के स्तूपा जैसा ही है। 1940-45 के बाद जापानियों ने जितने बौद्ध से रिलेटेड जितने भी जगह थे ना, उन पर शांति के प्रचार के लिए और विश्व को शांति का संदेश देने के लिए ऐसे ऐसे स्तूपों का निर्माण कराया है। तो जैसे वैशाली में था वहाँ, और इधर धौली में। जैसे कि हम लोग अभी धौली में हैं, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये, और ये भुवनेश्वर सिटी में ही कह सकते हैं, थोड़ा सा आउटर है, पर बहुत ही इसका ऐतिहासिक वैल्यू है। जैसे कि अभी मनीष ने भी बताया कि वो सामने जो आप नदी देख पा रहे हैं, वो नदी पूरी लाल हो गई थी जब कलिंगा की लड़ाई हुई थी, और खून से, जिसको देखने के बाद अशोका के अंदर में एक चेंज आया, और उस चेंज आने के कारण उन्होंने जो अपना चांडाल वाला रूप था कि वो लड़ाई करना है और साम्राज्य जीतना है, अपना टेरिटरी बढ़ाना है, ये बंद करके उन्होंने ये कह सकते हैं कि शांति की ओर उन्होंने अपना सब कुछ ध्यान दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने इस जगह पे अपने आप को पूरा चेंज कर दिया ना। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, यहाँ सिटी देख सकते हैं दूर दूर तक फैला हुआ है, और जैसे कि हरियाली, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की हरियाली बहुत ही प्योर है, बहुत अच्छा एक नेचर के बीच में आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगा, घूमने के लिए बहुत ही सही है। पूरी कटक हाईवे में ये पड़ती है, कटक से पूरी जाते समय दाहिने हाथ पे धौलीगिरी। ये था हमारा धौलीगिरी का ब्लॉग, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नए दिन नए ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।